हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स कोई भी हिंदी मीडियम से है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। सो शुरू करते हैं हम आज के सेशन के साथ, जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हमने हर टॉपिक का एक सेशन लिया है जिसमें आपको सारा ही कंटेंट, सारे ही नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। अब बारी आती है, जब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सप्लेनेशन पार्ट, अब बारी आती है हमारे एनसीईआरटी पार्ट की। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, गिव टू एग्जाम्पल्स each of situations in which you push or a pull to change the state motion of a object. So aapko do examples dene hain, kahin bhi jo situations aapko diye gaye hain jab aapko pull aur push karna padta hai kisi bhi object ka motion change karne ke liye. Theek hai students, chaliye. Now two examples of push force are as follows. अब आप एक बात बताओ, आपको एक हैवी बॉक्स, सपोज एक हैवी बॉक्स रेस्ट पे रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक हैवी बॉक्स रेस्ट पे रखा है। अब आपको इस हैवी बॉक्स को मूव करना है, सो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा पुश फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? पुश फोर्स, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट कैसा है, अभी ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, और जब रेस्ट पे रहते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन रहता है यहाँ पे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो उस पे अप्लाई होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या अप्लाई होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप बताओ, आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, सो आपका जो फोर्स है वो ग्रेटर होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन के, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके पुश फोर्स का। अब आप मुझे एक बात बताओ, फुटबॉल रखिए, फुटबॉल को क्या करते हैं हम? किक करते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ अ पुश फोर्स। इज दैट क्लियर? सो हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुश टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। और ये क्या करता है, क्योंकि यहां पर हमने पुश फोर्स अप्लाई करा और वो जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तभी हम उसको मूव करवा पा रहे हैं, उसका मोशन चेंज करवा पा रहे हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पा रहे हैं। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? पुश फोर्स। इज दैट क्लियर? चलिए, अ प्लेयर पुशेस अ फुटबॉल। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक प्लेयर बनाते हैं, चलो। सो ये हो गई फुटबॉल और ये हो गया हमारा प्लेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा प्लेयर। अब इस प्लेयर को, इस बॉल को मूव करना है, तो इस प्लेयर को क्या अप्लाई करना पड़ेगा इस पे? पुश फोर्स। इज दैट क्लियर? तभी ये बॉल रेस्ट से मूव कर पाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इज दैट क्लियर? अब इस प्लेयर को, इस बॉल को किक करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बॉल अपनी पोजीशन जो रेस्ट पे थी उससे एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो इस तरीके से हमने बॉल को पुश करके उसका मोशन चेंज करा। अब पुल फोर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो अब आप एक बात बताओ,
आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, आपके पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी को आपको लिफ्ट करना है, ठीक है, इस बाल्टी में ना पानी भरा हुआ है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आपको इस बाल्टी को लिफ्ट करना है, तो क्या अप्लाई करोगे? खुद सोचो, क्या अप्लाई करोगे? आप इस बाल्टी को इस हैंडल से क्या करोगे? लिफ्ट करोगे, और लिफ्ट करने में आप क्या लगा रहे हो? पुल फोर्स। तो यहां पे आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो पुल फोर्स। इज दैट क्लियर? और यूजुअली स्टूडेंट्स, जब हम पुल फोर्स लगाते हैं तो हमारा क्या यूज हो रहा है? मसल। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ मस्कुलर फोर्स ऑल्सो, क्योंकि यहां पे पुल फोर्स आप किसकी मदद से लगा पा रहे हो? क्या यूज हो रहा है यहां पे? मसल का यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, रोप इज पुल्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। अब अगर यही बकेट एक कुएं के अंदर हो, ये हो गया आपका वेल, और यही बकेट एक वेल के अंदर एक पुली से अटैच्ड हो, ये रहा आपकी बकेट। अब आप बताओ, ये वेल के अंदर है, ठीक है, सो ये वेल के अंदर ऐसे अटैच्ड है। अब आपको इसको बाहर निकालना है, ये जो पानी है इसको, इस बकेट में जो पानी है इस बकेट को बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप इस रोप पे, ये जो रोप है ना, इस रोप पे क्या अप्लाई करोगे? पुल फोर्स अप्लाई करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ये धीरे धीरे बकेट ऊपर की तरफ आएगी और आपको बेसिकली जो बाल्टी फुल ऑफ वाटर है, आपको पानी मिल जाएगा। सो आप यहां पे क्या कर रहे हो? आप यहां पे पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। चलो, सो दिस चेंजेस द स्टेट मोशन ऑफ द वाटर बकेट। अब इससे क्या होगा? पहले ये वाटर बकेट ए पोजिशन पे थी, धीरे धीरे मूव करते करते ये वाटर बकेट इस पोजिशन पे आ जाएगी। तो आपने क्या करा? आपने इस वाटर बकेट की पोजिशन एक जगह से दूसरी जगह पे ले आए, यानी कि आपने इसको मोशन में ले आए। और कैसे मोशन में ले आए? पुल फोर्स लगा के आपने इस बकेट को मोशन, इसका, इस बकेट का मोशन चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए, अ ड्रॉअर इज पुल टू ओपन इट, दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ द मोशन। अब एक ड्रॉअर है जो आपकी अलमारी में रहता है, आपको उसे खोलना है, तो कैसे खोलोगे? अब आप खुद बताओ, कोई भी चीज जो ड्रॉअर है उसका जो हैंडल है, आप उस पर क्या अप्लाई करते हो? पुल फोर्स अप्लाई करते हो। तो पुल फोर्स अप्लाई करके आप अपनी अलमारी के ड्रॉअर्स को खोलते हो, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया आपके पुल फोर्स का। सो पुश फोर्स में हमने क्या देखा था? पुश फोर्स में हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे, फुटबॉल को जब प्लेयर किक करता है तो वो पुश करता है, दूसरा हमने देखा था एक अगर मोटा सा बॉक्स है वो जमीन पे रखा हुआ है, रेस्ट पर है, तो उसका मोशन चेंज करने के लिए आपने पुश फोर्स लगाया। पुल फोर्स में हमने देखा बकेट को उठाना, रस्सी को खींचना, ड्रॉअर को खोलना इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुल फोर्स, जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करते हो, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर टू, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप फोर्स लगा के या फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर रहे हो, तो आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं जब आप फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहे हो। अभी तक आपने जो भी देखे एग्जाम्पल्स पुश और पुल फोर्स के, उसमें आप ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर रहे थे। मोशन का मतलब आपने एक जगह से दूसरी जगह उसे शिफ्ट कर दिया, उसका मोशन चेंज हो गया। अभी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और सडनली उसका मूवमेंट हो गया, वो चेंज हुआ, उसका मोशन चेंज हुआ, तो वो एग्जाम्पल था जब आपने फोर्स अप्लाई करके मोशन चेंज करा। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि दो एग्जाम्पल्स आपको ऐसे बताने हैं जहां पे आप फोर्स अप्लाई करके शेप, यानी कि शेप चेंज कर सकते हो। सो आपको एग्जाम्पल्स देना है। अब आप एक बात बताओ, आप आटा गूंथते हुए देखा है कभी मम्मा को? आटा जो रहता है वो आटा रहता है पाउडर फॉर्म में और हम पानी ऐड करते हैं, कैसे सडनली आटा और पानी मिक्स होके डो बन जाता है? कुछ तो अप्लाई करना पड़ता होगा ना, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या अप्लाई करना पड़ता है, कैसा फोर्स लगा रहे हैं हम? पुश फोर्स लगा रहे हैं हम। तो पुश फोर्स जब मदर्स लगाते हैं उस डो में, तो धीरे धीरे वो अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करता है, वाटर पाउडर साथ में मिक्स होके एक डो फॉर्म में बन जाता है। तो यहां पे हमने फोर्स लगा के क्या करा? यहां पे हमने फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दिया, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल देखें, अब आपने कभी क्ले देखा है? क्ले से लोग क्या क्या बना लेते हैं, आपने बचपन में बहुत खेला होगा क्ले से। तो क्ले तो क्ले फॉर्म में रहता है, कैसे हम उसको मोल्ड कर करके उसका शेप चेंज करके अब हम जो कर रहे हैं ये ऐसे ऐसे फिर खींचते हैं फिर कट करते हैं, तो इस ये क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। तो क्ले के ऊपर फोर्स अप्लाई करके आप उसकी मोल्डिंग करके कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। सो डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले, प्रेसिंग बिटवीन द हैंड्स, अभी आप प्रेस करते हो, फिर आप रोल करते हो, फिर आप स्ट्रेच करते हो, तो ये सब आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हो क्ले के ऊपर, जिसकी वजह से उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला आते हैं, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू। अब आपको अभी हमने बताया कि आपको कुएं के अंदर से पानी निकालना है, अब आपको रस्सी के ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या कर रहे हैं हम, पुल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो रस्सी के ऊपर हमने पुल फोर्स अप्लाई करा, जिसकी वजह से पानी जो वेल के अंदर है उससे निकल के ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, जो बकेट के अंदर रहता है। नाउ अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। अब यहाँ पे आप बताओ, एक मेरा कह सकते हो, अगर हम मैग्नेट्स का एग्जाम्पल लें, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम कोम लेकर कोम को अपने सर पे रब करते हैं ऐसे करके, और अगर यही पेपर के पीसेस रख दें और उससे जाके कोम को पास में ले आएं, तो सडनली वो बिट्स ऑफ पेपर जाके कोम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, ये जो पेपर है ये चार्ज्ड है? नहीं, लेकिन कोम चार्ज हो गई। कैसे? आपने उसको ऐसे रब कर करके उसको चार्ज दे दिया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। अब क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया, जैसे ही वो पेपर के पास आएगी जो अनचार्ज्ड बॉडी है, तो यहाँ पे एक चार्ज्ड बॉडी ने अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या करा है, अट्रैक्ट ईच अदर। सो अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। चलिए, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। अब आप बताओ, एक ट्रॉली है जो फुली लोडेड है, अब आपको उस ट्रॉली को मूव करना है, तो यहाँ पे आप ट्रॉली से मूव कर रहे हो, तो आप उसे, अब आप सुपरमार्केट्स तो गए ही होगे, ठीक है, सुपरमार्केट्स में जो ट्रॉली होती है जिसमें हम बढ़िया तरीके से सामान भर लेते हैं ना, उस ट्रॉली को आप क्या कर सकते हो, उस ट्रॉली को आप आगे की तरफ ऐसे पुश भी कर सकते हो, पीछे की तरफ ऐसे पुल भी कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस ट्रॉली के साथ पुश पुल दोनों ही मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। अब हमें पता है द रूल ऑफ मैग्नेट, द रूल ऑफ मैग्नेट क्या कहता है स्टूडेंट्स, द रूल ऑफ मैग्नेट कहता है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं तीन सिचुएशंस, तो यहाँ पे हमारे पास तीन सिचुएशंस है, ठीक है। पहली सिचुएशन देख लेते हैं, तो पहली सिचुएशन कहती है ऑपोजिट पोल्स, दूसरी और तीसरी सिचुएशन कहती है सिमिलर पोल्स। अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ पहले केस की, तो केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल, एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि दो ऑपोजिट पोल्स। अब जब दो ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट पास में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो व्हाट दे डू, दे अट्रैक्ट ईच अदर, और अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पुल फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पे अप्लाई हो रहा है पुल फोर्स। तो नाउ वी नो कि मैग्नेट्स के ऑपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और कैसा फोर्स अप्लाई होता है उसके ऊपर, अप्लाई होता है पुल फोर्स। इज दैट क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे और तीसरे केस के बारे में, तो यहां पे स्टूडेंट्स हमें पता है कि सिमिलर जो पोल्स होते हैं, सिमिलर जो पोल्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर। क्या करते हैं वो, दे रिपेल ईच अदर, और रिपेल ईच अदर का मतलब दे पुश ईच अदर अवे। तो यहां पे ये दोनों क्या करेंगे,
ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो यहां पे कैसा फोर्स अप्लाई होगा? पुश फोर्स. इज दैट क्लियर? अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट. अब यहां पे नॉर्थ और नॉर्थ दोनों सिमिलर पोल्स, सेकेंड सिचुएशन. ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है सेकेंड सिचुएशन के बारे में, जहां पे नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल साथ साथ हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि पुश करेंगे. सो दे विल रिपेल ईच अदर. इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो. अब आपको पता है आर्चरी में क्या होता है, एक बड़ी सी ऐसे ऐसे टाइप की बो रहती है जिसके ऊपर ऐसी स्ट्रिंग अटैच रहती है. तो आर्चर क्या करता है, ऐसे इसको इसको ऐसे स्ट्रेच करता है. तो बेसिकली एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट. अब यहाँ पे ऐसे हमारी स्टिक रहती है, अब आपको इस स्टिक को ऐसे टारगेट के साइड पे प्लेस करना पड़ता है. She then releases the arrow. अब ये जो हमारा arrow है, ठीक है, so this is known as arrow. अब इस arrow को जैसे ही वो इस bow को stretch करती है, ये arrow release हो जाता है. तो यहाँ पे जो bow है ये ऐसे इसको stretch किया जाता है, फिर release कर दिया जाता है. किसको? Arrow को release कर दिया जाता है. Now, based begins to move towards the target. और एक ऐसे target box रहता है, ऐसे उसके कलर कोडिंग्स रहते हैं ऐसे, फिर इसके अंदर येलो ऐसे रहता है, फिर ऐसे ग्रीन रहता है, तो ऐसे कलर कोडिंग्स रहती हैं. सो बेसिकली एकदम जिस जितना भी जिस टारगेट में रहेगा, जो भी टारगेट में वो एम कर रहा है, तो वहाँ पे जाके टारगेट पे हिट करना चाहिए. ठीक है, चलिए. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स. अब आपको इन टर्म्स का यूज करना है. कौन से टर्म्स हो गए? मस्क्यूलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन. तो आपको उन्होंने वर्ड बॉक्स दे दिया है और आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस वर्ड बॉक्स से ही निकालने हैं. ठीक है, आपको पहले आर्चरी समझ आई, ये बो है, ये एरो है और ये एम है. ठीक है, अब आपको ये एरो को स्ट्रेच करकर, ये बो को स्ट्रेच करके एरो को रिलीज करना है एम की तरफ. अब ये है आपका वर्ड बॉक्स, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप एंड अट्रैक्शन. और ये रहे क्वेश्चंस. अब आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो इसी वर्ड बॉक्स में से फिल करने हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाते हैं. टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन इट्स. अब यहाँ पे ठीक है, ये जो पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पे? हमारी बो पे. तो पुल फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं. तो हम क्या चेंज कर रहे हैं? जल्दी से बता दो, यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम शेप चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आर्चर ने स्ट्रेच करा, यानी कि पुल फोर्स अप्लाई करा. इससे क्या हुआ? पुल फोर्स अप्लाई करके बो का शेप चेंज हो गया. चलो बी पे आते हैं. द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स. अब यहाँ पे आप जो पुल फोर्स लगा रहे हो वो क्या कर रहे हो? किसकी मदद से लगा रहे हो? मसल की मदद से. तो ये किस टाइप का फोर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यहां पे हम पुल फोर्स विद द हेल्प ऑफ मसल अप्लाई कर रहे हैं. इसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स. इज दैट क्लियर? सो यहां पे ये मस्कुलर हमारा आंसर में फिल कर देंगे हम. ठीक है, तो हमने दो वर्ड बॉक्स से यूज कर लिए, मस्कुलर और शेप. अब हम आते हैं सी पार्ट पे. चलो तो सी है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब यहाँ पे जो मोशन चेंज हो रहा है किसका? हमारे एरो का. अभी ये एरो है, फॉर एन एग्जाम्पल ये एरो अभी ऐसे था. ठीक है, अभी हमने इस पे फोर्स अप्लाई करा और सडनली इस एरो का मोशन चेंज हो गया. सो ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स?
अब आप खुद बताओ हमने क्या कर रहे हैं, हम इस एरो के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. तो जब भी फोर्स कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है जिसके बाद फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो यहां पे बिकॉज एरो ने अपना मोशन चेंज करा क्योंकि हम एरो के कॉन्टैक्ट में हैं और उसके बाद उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ डी, व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ द एयर. अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले जब हम टारगेट की तरफ जाते हैं तो यहां पे क्या अप्लाई हो रहा है, यहां पे वो पुल वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. और क्यू, और उसी को अपोज कौन सा फोर्स कर रहा है, फ्रिक्शन. जो कौन अप्लाई कर रहा है, एयर अप्लाई कर रहा है. ये जो एरो है ये यहां अपनी बो से निकल के टारगेट की तरफ जा रहा है. नाउ यहां पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, लेकिन इसी को ही ऑपोजिट साइड पे जो फोर्स पुल कर रहा है, जो ऑपोजिट साइड पे एक्ट कर रहा है, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो एयर कॉज कर रही है. तो यहां पे वो जा रहा है और दूसरी तरफ फ्रिक्शन एयर की वजह से इसके ऑपोजिट साइड पे एक्ट कर रही है. ठीक है, चलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस identify the agent exerting the force and the object on which it acts. ठीक है, अब आपको यहाँ पे situations दी गई हैं A, B, C. अब आपको हर situation में ये बताना है कि सबसे पहले force किस object पे act कर रही है. State the effect of force in each case. अब यहाँ पे force कहाँ पे apply हो रहा है, किससे apply हो रहा है और क्या effect cause कर रहा है. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले जो सिचुएशन है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स. अब यहाँ पे नींबू है, फॉर एन एग्जाम्पल ये नींबू है. अब नींबू को मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वीज कर रही हूँ, अच्छे से स्क्वीज, निचोड़ के रख दिया मैंने एकदम. क्यों? क्योंकि मुझे उसके अंदर से जूस निकालना है. ठीक है, तो आ जाओ आंसर देख लेते हैं. तो एजेंट, अब एजेंट क्या है, फोर्स कौन एक्ट कर रहा है, हमारे फिंगर्स. नींबू हम फिंगर्स के बीच में रख रहे हैं और फिर उस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पे एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स इज फिंगर्स. ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स एक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, नींबू है ना, नींबू कोई तो निचोड़ रहा है ना, तो इसलिए लेमन इज द ऑब्जेक्ट. एंड इफेक्ट ऑन द फोर्स, अब यहाँ पे आपने नींबू को, अच्छे खासे मोटे नींबू को आपने एकदम निचोड़ के रख दिया, तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया ना. तो यहाँ पे आपने नींबू को निचोड़ दिया, शेप ही चेंज कर दिया उसका. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड सिचुएशन पे. नाउ टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट, अब ये रही मेरी टूथपेस्ट और हम बढ़िया तरीके से रोज सुबह दबाते हैं उसे और पचाक से टूथपेस्ट बाहर निकल आ जाता है. अब यहाँ पे एजेंट क्या है, किससे दबा रहे हो, ये जो दबा रहे हो ये क्या है, यहाँ पे भी तो फिंगर से ही प्रेस कर रहे हो ना, तो पचाक जो आप कर रहे हो ये किससे कर रहे हो, एजेंट क्या है फोर्स का, हमारा फिंगर्स. किस पे एक्ट कर रहा है, टूथपेस्ट पे एक्ट कर रहा है. क्या हो रहा है इससे, इससे मोशन चेंज हो रहा है, जो टूथपेस्ट हमारा अंदर है वो सडनली बाहर निकल के नहीं आ रहा. तो यहाँ पे हमने टूथपेस्ट का शेप भी चेंज करा और मोशन भी चेंज करा. नाउ एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स इज फिंगर्स, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट इज अ टूथपेस्ट ट्यूब, और इफेक्ट ऑन द फोर्स बेसिकली आपने, अगर मैं बात करूँ टूथपेस्ट की तो वहां पे तो शेप चेंज हो रहा है. ठीक है, ये जो टूथपेस्ट है ये सडनली कंप्रेस हो गया, तो कंप्रेस होकर क्या मतलब, इसका शेप चेंज हो गया. और अगर मैं बात करूँ जो अंदर की पेस्ट है, वो पहले तो अंदर रेस्ट पे थी, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई कर दिया उसका मोशन चेंज हुआ और वो बाहर निकल आई. तो यहाँ पे बात करी जा रही है टूथपेस्ट की ट्यूब की, तो ट्यूब के साथ शेप चेंज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टूथपेस्ट के ट्यूब की. अब ये जो मेरा ट्यूब है, क्योंकि हम इस ट्यूब को प्रेस कर रहे हैं, ये पिचक रहा है, तो पिचकने से का क्या मतलब हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है. ठीक है, चलिए. नाउ सी अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज फिक्स्ड ऑन अ हुक टू द वॉल, इज दैट क्लियर.
नाउ एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, अब यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग को अलोड, ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग की मदद से अलोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये रहा मेरा लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अनदर एंड इज ऑन अ हुक प्लेस्ड ऑन अ वॉल. अब ये एक हुक पे प्लेस्ड है, ये एक हुक पे प्लेस्ड है जो वॉल पे स्टिक है, ये रहा मेरा स्प्रिंग और ये रहा मेरा लोड, ये रहा मेरा लोड. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो है ये लोड. तो यहाँ पे फोर्स एग्जर्टिंग एजेंट इज लोड. ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, और फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग पे एक्ट कर रहा है. इफेक्ट ऑन द फोर्स, अब यहाँ पे क्योंकि ये फोर्स की फोर्स इस पे ये जो लोड है इस पे फोर्स जा रहा है, ये जो स्प्रिंग है वो धीरे धीरे अपना शेप चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे भी स्प्रिंग का शेप चेंज हो रहा है. इज दैट क्लियर? चलिए. डी, एन एथलीट मेकिंग हाई जम्प टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट. अब एक एथलीट है जो एकदम हाई जम्प ले रहा है ताकि वो अपनी चेंज कर सके सर्टेन हाइट तक अपना रिजल्ट जो भी उसका कंपटीशन है वो रीच कर सके. नाउ एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स, अब यहाँ पे कौन सा एजेंट है जंप लेने में हेल्प कर रहा है उसे, तो मसल्स. तो यहाँ पे मसल ऑफ द एथलीट एजेंट है. ऑब्जेक्ट ऑन वो फोर्स एक्ट, अब यहाँ पे मसल्स किसका पोजिशन या किसका हाइट इनके वो कर रहे हैं, हाइट पे जंप करवा रहे हैं, एथलीट की हाइट पे जंप करा रहे हैं, तो यहाँ पे किस पे एक्ट हो रहा है, जो मसल्स है वो किस पे एक्ट कर रहे हैं, एथलीट पे ही एक्ट कर रहे हैं ना. इफेक्ट ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. अब यहाँ पे एथलीट अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, जंप करके आगे जंप कर रहा है, तो उससे क्या हुआ, उससे उसकी एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन चेंज हुई, तो यहाँ पे मोशन चेंज हुआ. इज दैट क्लियर? चलिए. क्वेश्चन नंबर 6, अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन. अब यहाँ पे आपको पता है ना ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं, जो आयरन की नेल को ऐसे फोड़े जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे मतलब हॉट पीस से ऐसे उसको ठोके जा रहे हैं. ओके, सो ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल. अब ये जो ब्लैकस्मिथ है ये हॉट आयरन की नेल को ऐसे हैमर करे जा रहा है एक टूल बनाने के लिए. How does the force due to hammering affect the piece of the iron? अब यहाँ पे आप force apply कर रहे हो जिसकी वजह से उस iron का shape change हो रहा है. So when a blacksmith hammers a hot piece of iron, he uses muscular force. तो यहाँ पे ये जो blacksmith है ये क्या apply कर रहा है, ये muscular force apply कर रहा है. This muscular force changes the shape of the iron so that it can be given into desired shape. तो यहाँ पे blacksmith force apply करके hammer, जो iron है, iron की nail है उसको continuous hammering करके, hammer से क्या हो रहा है, force apply हो रहा है. कैसा force? muscular force apply हो रहा है, और इस muscular force की वजह से इस iron का shape change हो पा रहा है. ठीक है, चलिए. So क्वेश्चन नंबर 7, एन इन्फ्लेटेड बलून. इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है, फूला हुआ, फुलाया हुआ बलून. वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ. अब यहाँ पे हमारा बलून है, ठीक है, तो ये रहा हमारा बलून, अब ये है हमारी वॉल, ठीक है. सो दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल, और ये है बलून. अब आपको इस बलून को क्या करना है, इस बलून को लेकर आपको पहले तो सिंथेटिक क्लॉथ से रब करना है. तो आपने इसको पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ से रब कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे आपने पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ से इसको ऐसे बलून को रब कर दिया. अब जैसे ही आपने इस बलून को रब करा उसके बाद आप इस बलून को वॉल से स्टिक करोगे तो क्या होगा, ये बलून वॉल से स्टिक हो जाएगा. ऐसा क्या हुआ, इस सिंथेटिक वॉल से, जैसे ही सिंथेटिक के क्लॉथ से आपने इस बलून को ऐसे रब करा ये सडनली जाके वॉल से चिपक गया. सो क्या हुआ ऐसा, इसी चीज़ का आपको आंसर करना है.
So it was found that the balloon sticks to the wall. और क्योंकि जैसे ही आपने इस पूरे balloon को ऐसे rub करा और उसके बाद उसको wall पे stick करा तो वो तुरंत stick हो गया. What force might be responsible for the attraction? और इन दोनों के बीच में जो force लगा है जिससे balloon attract हो गया है wall की तरफ तो वो कौन सा force है जिसने wall को balloon को wall से stick कर दिया. So the student answer is दोनों क्या हो गए. ये जो बलून है ये जो बलून है ये जो मेरा बलून था ये बलून जैसे ही मैंने सिंथेटिक क्लॉथ से इसको रब करा सो ये बलून क्या हो गया. ये बलून हो गया चार्ज्ड बॉडी. क्या हो गया चार्ज्ड बॉडी. अब जैसे ही एक चार्ज्ड बॉडी को मैं किसकी तरफ लाऊंगी एक अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ तो वॉल क्या हो गया. वॉल हो गया मेरा अनचार्ज्ड बॉडी. इज दैट क्लियर. सो वॉल हो गया अनचार्ज्ड बॉडी. अब इन दोनों के बीच में जब एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है अनचार्ज्ड बॉडी को सो वो कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स रहता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यहां पे जो बलून है पहले वो नॉर्मल था क्योंकि मैंने उसे क्लॉथ से सिंथेटिक क्लॉथ से ऐसे रब कर करके क्या बना दिया चार्ज्ड बना दिया. अब जो दीवार है वो तो अनचार्ज्ड बॉडी है. जैसे ही मैं एक चार्ज्ड बॉडी को करीब लाऊंगी अनचार्ज्ड बॉडी से तो वो अट्रैक्ट करेगा और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो कौन सा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इज दैट क्लियर. सो आंसर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके चलिए. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल. इज दैट क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. अब यहाँ पे आपके हाथों में आपके hands में एक plastic bucket है ठीक है. So आपके hand में एक plastic bucket है और इस plastic bucket के अंदर water है. Is that clear? And containing water held above the ground level in your hand. अब ये जो मेरा ग्राउंड है ये जो बास्केट है ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है. तो हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल का मतलब क्या होता है कि ये एक बकेट है जिसको मैंने ऐसे उठाया हुआ है अपने हाथों में और ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है तो ये अबव द ग्राउंड लेवल है. डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन. अब यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है कि बकेट का स्टेट ऑफ द मोशन चेंज नहीं हो रहा. अब यहाँ पे जो दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स. ये जो अर्थ है ये क्या कर रही है ये इस बकेट को अपनी तरफ क्या कर रही है पुश कर रही है अट्रैक्ट कर रही है. तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं. और क्या होता है इसी सिचुएशन में देखो इन दिस केस और हमारे जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे मस्कुलर जो फोर्स है ये जो मेरा मस्कुलर फोर्स है जो मेरे हाथों ने अप्लाई करा हुआ है ये क्या कर रहा है इस बकेट को अपवर्ड्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है नीचे की तरफ उसे ग्राउंड लेवल पे अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ने दोनों को ही नलिफाई कर दिया. क्या कर दिया दोनों को ही नलिफाई कर दिया. अब ये जो बकेट है इस पर अप्लाई हो रहा है मस्कुलर फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में. अब ग्रेविटी क्या कर रही है इस बकेट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि यहाँ पे मसल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया इसीलिए इस बकेट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही ठीक है. चलिए
Now, in this case, muscular force is acting upwards. So, muscular force kis direction mein act ho raha hai? Upwards direction mein. And the force of gravity or gravity ka force kya kar raha hai? Usse neeche ki taraf khich raha hai. So, gravity is acting in downwards direction. Both the forces are acting in opposite direction kyunki muscular force upar apply ho raha hai aur gravitational force niche apply ho raha hai. To dono hi forces ne ek dusre ko nullify kar diya, yani ki cancel out kar diya. Kyunki dono hi opposite direction mein act ho rahe the, hence nullify the effect of each other. Due to this, there is no change in the state of the motion of the bucket. Aur isi ki wajah se motion of the bucket mein koi bhi change nahi hai. Kyunki yahan pe muscular force aur gravitational force opposite direction mein hai. Aur hamara muscular force upward hai, gravity niche ki taraf pull kar rahi hai. Aur dono hi ek dusre ko nullify kar dete hain. Theek hai? Yani ki cancel out kar dete hain. Aur isi wajah se bucket ka jo movement hai wo nahi ho raha. Okay, chaliye. Question number 9. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. Ab ye raha mera launching pad. Ab yahan pe hum draw kar lete hain. So this is our launching pad. Theek hai? Ab yahan pe main draw kar rahi hu mera rocket. To ye hai mera rocket. Is that clear? अब जैसे ही rocket यहाँ से launch होता है, जैसे ही rocket launch होता है, suddenly, अब आपको बताना है कि जब वो launching pad से launch हो रहा है, तो ये जो rocket है, इस पे कौन से दो force apply हो रहे हैं? तो सबसे पहले rocket क्या करेगा? Rocket upwards direction में जा रहा है. ठीक है, किस direction में जा रहा है? Upwards direction में. और दूसरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, इस जगह पे जहाँ पे launching हो रही है, वहाँ पे different force act हो रहा है. तो अब आपको बताने कि कौन से दो forces इस rocket पे apply हो रहे हैं जब वो launch हो रहा था. समझ आया question? चलो इसका answer देख लेते हैं. So the two forces acting on the rocket are the force of gravity which pulls the rocket towards the ground. Gravity क्या करती है? Gravity हमेशा अपनी तरफ, ground की तरफ objects को attract करती है, खींचती है. तो यहाँ पर rocket क्या कर रहा है? Rocket को वो नीचे की तरफ gravity खींच रही है. दूसरा जो force of friction क्या हो रहा है? क्योंकि atmosphere में जा रहा है ये, तो जो आसपास का atmosphere है, वो उसपे friction force लगा रहा है, which opposites its motion. तो friction force upwards लग रहा है, gravitational force downwards लग रहा है. ठीक है, तो दो force जो act होंगे, वो है atmospheric force and जो है हमारा frictional force and a opposite direction में gravitational force जो उसे ground की तरफ pull कर रहा है. ठीक है, चलिए. Now question number 10. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water. अब यहाँ पे एक हम बना लेते हैं आपको समझाने के लिए एक bucket. ठीक है, अब इसके अंदर हमने nozzle place करा. आपने देखा होगा ड्रॉपर का हेड कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है. फिर ये एकदम हॉलो सा रहता है और यहाँ पे एक ओपनिंग रहती है जहाँ से पानी इंसर्ट करता है या कुछ भी सॉल्यूशन इंसर्ट करता है. अब ये जो ड्रॉपर है, इसको ड्रॉपर का हम बल्ब कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम ड्रॉपर का बल्ब कहते हैं, जिसको हम प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं. अब आपने इस बकेट के अंदर क्या फिल करा हुआ है? आपने इस बकेट के अंदर वाटर फिल करा हुआ है. तो यहाँ पे हम वाटर फिल कर देते हैं. Is that clear? अब ये जो नोजल इज कैप्ट इन वाटर एंड एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. अब जैसे ही आपने यहाँ पे इस बल्ब को प्रेस करा, इस बल्ब को आपने प्रेस करा, तो जो नोजल है, दिस इज द नोजल पार्ट. तो ये जो नोजल है, सडनली आप रियलाइज करोगे कि जैसे ही आपने इसको प्रेस करा, यहाँ पे आपको बबल्स दिखे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बबल्स ऐसे दिख रहे हैं.
ओके, वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑफ द बल्ब, और जैसे ही आपने इसको रिलीज करा, वैसे ही ये जो पानी है वो सडनली इस ड्रॉपर के अंदर ऐसे फिल हो जाता है. ओके, नाउ ये जो राइज इन वाटर है ये क्यों हुआ है? ये जो राइज इन वाटर है, आपका जो क्वेश्चन है वो है, ये जो राइज इन वाटर हुआ है ये क्यों हुआ है? तो सबसे पहले तो हम पहली सिचुएशन में आते हैं. सबसे पहले पहली सिचुएशन क्या थी? सबसे पहले जो हमारी सिचुएशन थी, जब हम इस नोजल को प्रेस कर रहे थे, ओके, जब हम इस नॉट नोजल बल्ब को, तो जब हम इस बल्ब को प्रेस कर रहे थे तो हमने नोटिस करा कि नोजल के यहाँ पे बबल्स दिखने लगे. ओके, अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन में. जैसे ही हमने इसको रिलीज करा, पहले जब हमने बल्ब को प्रेस करा तो यहाँ पे बबल्स दिखे, जैसे ही हमने इसको रिलीज करा फटाफट से जो बकेट का पानी है वो भर के अंदर आ गया इस नोजल के और यहाँ तक फिल हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जैसे ही हमने बल्ब रिलीज करा पानी अंदर की तरफ आ गया, ये जो हमारा ड्रॉपर है इसके अंदर आ गया. आपको ये बताना है कि क्या ये प्रेशर ऑफ वाटर, यहाँ पे जो वाटर में प्रेशर हुआ है उसकी वजह से पानी अंदर आया है, दूसरा ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से पानी अंदर आया है, तीसरा शेप ऑफ द रबर ट्यूब, ये रबर ट्यूब का शेप ही ऐसा है शायद इसीलिए पानी अंदर घुस गया होगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये पानी अंदर की तरफ हुआ है. अब आप बताओ ये जो बल्ब है यहाँ पे कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस बल्ब पे कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है? इस बल्ब पे अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब आपने बल्ब को प्रेस करा है अभी क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है. जैसे ही आप रिलीज करोगे बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो वाटर है ये वाटर सडनली इसके अंदर फिल हो जाएगा. तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज दैट क्लियर? चलिए, सो स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड आवर एनसीईआरटी क्वेश्चंस. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम हमें सारी क्वेश्चंस के आंसर्स समझ आ गए. और ऐसी ही कई नॉलेजेबल नॉलेज गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को, जहाँ मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक. मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ हम ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com. जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स. देखो आप जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है उसे अपने टैबलेट, फ़ोन, लैपटॉप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो. आपको बस क्लिक करना है इस ग्रैब ई नोट्स को. डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल है. कोई भी आपका फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, अगर वो हिंदी मीडियम से है तो उन्हें आप बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश. स्टूडेंट्स हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.